कल के दिन के बारे में पहले से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर आज के दिन के बारे में थोड़ी बात करेंगे। कल बहुत मजा आया हमें। एक एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम कर रहे थे और हमें ये कंसर्न थी कि ये प्रोग्राम में कोऑर्डिनेशन एक चैलेंज है, और जो रिव्यूज़ अभी हमें मिले हैं माशाल्लाह दे आर गुड, अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, और काफ़ी कल स्मूथ प्रोग्राम किया जिसकी एक सेटिस्फैक्शन है, और कोशिश करेंगे आज भी हम जिस तरह कल प्रोग्राम स्मूथ किया था आज भी उस तरह हमारी कोऑर्डिनेशन चलती रहे, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज का प्रोग्राम भी कल की तरह स्मूथ और अच्छा हो जाए। सो फार अभी तक तो हो जाए, बहुत अच्छी रिव्यूज़ मिले हमें। नहीं, बहुत अच्छी बात है, और काफ़ी व्यूअर्स ने हमें ग्लोबली ज्वाइन किया। सबसे अच्छी बात यह है हमारे YouTube चैनल के थ्रू, हमारे Facebook के पेज के थ्रू, और लो जूम पे हमारे बहुत सारे रूटेरियन फ्रॉम ऑल, मतलब उसमें बियॉन्ड बॉर्डर्स वाली बात थी, फ्रॉम पीपल ज्वाइनिंग फ्रॉम नाइजेरिया, USA, अफगानिस्तान, फार ईस्ट, तो मतलब मुख्तलिफ कंट्री से लोगों ने हमें ज्वाइन किया, जिसकी बड़ी खुशी है। एंड वी गॉट सच ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, तो यहाँ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑल द रोटेरियंस एंड द रोट्रैक्टर्स हु हैव जॉइंड अस फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। इट्स वंडरफुल टू मीट यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हम लोगों को ज्वाइन किया, एंड इट वॉज एन वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, जिससे हमें बड़ी खुशी हुई कि इतने सारे लोगों ने हमें, ये फर्स्ट वर्चुअल रिस्पॉन्स थी डिस्ट्रिक्ट 3271 की, और एज होस्ट सैयद काशिफ रफी, इट मेरे लिए भी एक बड़ा नया लर्निंग एक्सपीरियंस था, हम सब के लिए एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत खुशी हुई कि हमने ये चीज़ इतने अच्छे तरीके से कर पाए। हम यहाँ हम इसमें हम मैं और भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमारे वेन्यू पार्टनर है कंसल्टेंट ग्रुप, उन्होंने हमें वेन्यू लैंड किया, टेक्निकल टीम एंड मैन मैनेजमेंट टीम ऑफ रैपिडो, तो बड़ा अच्छा रहा। तो आज के बारे में आफ्ताब साहब थोड़ा सा बताएँगे, वॉट इज़ इन स्टोर फॉर अस इन डे टू? आज हम मुख्तलिफ चीज़ें करेंगे, और बेहतर ये होगा कि एंजॉयमेंट हम दे चुके हैं, और अभी हम डिस्ट्रिक्ट अफेयर्स पर बात करेंगे, और उसके बाद जो जो हाईलाइट है आज की वो है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का 5 साला स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है। इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेक्टिव सेशन जिसमें पैनलिस्ट हैं, और इसको लीड कर रहे हैं, मॉडरेट कर रहे हैं फैज़ किदवाई साहब, जो हमारे रूह रवा हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, और ये सबसे बड़ा हाईलाइट है आज की आज के प्रोग्राम का। और ऑफ कोर्स हमारे ब्रेकआउट सेशन से, और साथ साथ हमारा हाउस ऑफ फ्रेंडशिप चल रहा है, कल की तरह चलता रहेगा, और ये आई एम श्योर कि मकसद हमारा ये है कि जो हमारे रोट्रैक्टर्स हैं, रोटेरियंस हैं, कुछ यहाँ से लेके जाएं, कुछ टेक अवे हो जिसकी बिना पर वो इंस्पायर हो और मोटिवेट हो, ताकि जब वो अपने क्लब्स में जाएं, वो यहाँ के जो एक्सपीरियंस जो अभी जो जो चीज़ वो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो लोग नहीं आ पाए हैं उसे शेयर भी कर सकें, और अपने प्रोजेक्ट्स जो सही सर्विस प्रोजेक्ट्स हैं प्रॉपरली कर सकें, मोटिवेट हो। बेसिकली हमारा मकसद यहाँ जो पर्पज़ है मेन यह है कि वो मोटिवेट हो, इंस्पायर्ड हो, यहाँ से इंस्पायर होके जाए, इसलिए कि उनको हमने एक्सपोज कर दिया है दुनिया के बेस्ट हाई अचीवर्स। आर आई प्रेजिडेंट जो 2021-22 के थे वो आए, उन्होंने अपने ख्यालात शेयर किए, और ये बड़ा बहुत अच्छा एक्सपोजर है नौजवानों के लिए, और यानी रोट्रैक्टर्स के लिए और रोटेरियंस के लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर है। कमाल संघवी साहब आए, उनकी बातें सुनी, मैं भी इंस्पायर हुआ, और मुझे यकीन है कि जो बाकी लोग थे वो भी इंस्पायर होंगे। अच्छा जी, तो बस एक और तीन चीज़ें ऐड करूँ, हमारे तीन और इम्पोर्टेंट सेशन भी होंगे। एक हम ब्रंच करेंगे आरआई ट्रस्टी पाकिस्तान के पहले ट्रस्टी अजीज मेमन साहब के साथ एक सेशन करेंगे, फिर ग्रांड मैनेजमेंट सेमिनार है ऑफ कोर्स, एंड अदर हाईलाइट ऑफ टुडे विल बी सेशन विद आरआई डायरेक्टर राफेल गार्सिया जिसको फैज साहब करेंगे। स्टार्ट करते हैं उन लोगों को हम याद करते हैं जिन लोगों ने इस रोटरी पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दी, इस मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दी, और सबसे बड़ी बात सर्विस टू ह्यूमैनिटी की। तो इन मेमोरियम का सेशन है हमारा, जिसको करेंगी हमारी पास्ट प्रेजेंट ईश्वर तारिक अलावाला, शी इज़ फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ कराची कारसास। तो मैं अब कहूँगा कि पास्ट प्रेजेंट ईश्वर अलावाला टेक ओवर करें, एंड इन मेमोरियम हमें बताएं कि कौन कौन लोग थे जो रोटरी के लिए बे इंतहा काम करते रहे डेडिकेशन और लॉयल्टी के साथ। तो ओवर टू पास्ट प्रेजेंट ईश्वर अलावाला। आफ्ताब साहब, तो ये वो हस्तियाँ हैं जो कि हमारा ख्याल था कभी हमें छोड़ के नहीं जाएंगी, और जब हमें नहीं है तो हम उनको बहुत मिस करते हैं, और उनकी जाने की ख्लिश
गालिबन हमेशा रहेगी। और अभी हमें एक मोमेंट ऑफ साइलेंस में उनके लिए फातह पड़ी है, उनके साले सवाब के लिए, मकफरत के लिए। और लेकिन एक बात है कि उनकी यादें और उनकी जो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन जिन्होंने दी है वो हमेशा रहेगी और वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वो चले ज़रूर गए लेकिन हमारे ख्यालों में और हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे और हमें हमेशा अपनी उनकी बातें, उनके काम हमें याद रहेंगे और वो सब चीज़ें हमें इंस्पायर और मोटिवेट करती रहेंगी। एक बात मैं और कहता चलूँ कि हमारे साथ शाह बल्खी साहब भी हैं जो मेरे बहुत सारे मेंटोर हैं रोटरी में, उनमें से एक मेरे एल्डर हैं और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने जो जमा किए थे पूरी ज़िंदगी में, उन्होंने जब जाने से पहले मेरे हवाले किए थे कि मैं बैटन नेक्स्ट जनरेशन को दे रहा हूँ, उनका बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए वो बहुत सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है और उनको बहुत खुशामदीद शाह बल्खी साहब को कि वो हमें ज्वाइन किया, फ्लोरिडा USA में ज्वाइन किया है। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें आज वुमेन एंड रोटरी पे भी बात होगी। वुमेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल फरहान ईसा साहब ने कहा कि जी उन्होंने किस तरह हमारी टीम ने सोचा और हमने वुमेन को हर डिस्ट्रिक्ट टीम में शामिल किया है, तो वुमेन एंड रोटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेशन भी आज हमारे यहाँ होगा, तो वी होप कि आप लोग आज के सेशन बहुत इंजॉय करेंगे। और दो ब्रेकआउट सेशन भी हमारे होंगे उसके बाद, बिल्डिंग पार्टनर्स विद रोटरी, जिनके मॉडरेटर हमारे PDG जागीर मुगल साहब होंगे। वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, अपनी ज़ात में अंजुमन है और इनसे बहुत सीखा है हम लोगों ने, सब सीखेंगे। और उसके बाद ग्रोइंग रोटरी थ्रू न्यू क्लब टाइप्स एंड मेम्बरशिप, और ये PDG शहजाद अहमद साहब करेंगे। और आप लोग अब देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह प्रोग्राम अफोर्ड होगा, आपको ऐसे लोगों से मुलाकात होगी, ऐसे लोगों से आप एक्सपोज होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे और इन्हीं की बातें और जो स्टोरीज बताएंगे आपको वही आपके टेक अवे है। उसके साथ साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट ब्रंच विद ट्रस्टी अजीज़ मेमन साहब, और उनके साथ हम चिट चैट करेंगे। TRF है हीरोज हमारे जो है उनका उनसे गुफ्तगू रहेगी हमारी, उसमें ज़रूर शामिल होइएगा और बहुत इन्जॉय करेंगे। और अजीज़ मेमन साहब का अगेन तारुफ के मोहताज नहीं, सब जानते हैं और किस तरह की शख्सियत हैं वो, और उनकी कंपनी में हम बहुत सीखते हैं, बहुत इंस्पायर होते हैं। तो इंशाल्लाह ओवर टू यू काजी।